इस वक्त हम मौजूद है तवारीखी क्लॉक टावर घंटाघर लाल चौक के बिल्कुल पास में, और आपको बता दो चले कि पिछले 4 से लेकर 5 महीनों से लगातार इस तवारीखी घंटाघर के ऊपर रिनोवेशन चल रही थी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर इस तवारीखी घंटाघर को जो है रिनोवेट किया गया था, और आपको बता दो चले कि इस घंटाघर के पीछे एक इतिहास है, हिस्ट्री है। ये वो घंटाघर है जिसपे कई सारे फैसले जो है कश्मीर के अंजाम दिए गए हैं, और वाजिया रहे ये वो घंटाघर है जिसपे कई सारे इख्तलाफात भी जो है वो पैदा हुए, और कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस घंटाघर तवारीखी घंटाघर के सामने लोगों को एड्रेस किया है, स्पीच दी है, या जिसमें शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की अगर बात करें उन्होंने भी इस तवारीखी घंटाघर के सामने कश्मीर के लोगों के सामने खिताब किया था। और उसके बाद कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस तवारीखी घंटाघर के सामने आकर यहाँ पर तिरंगा या ट्राइकलर होस्ट करते थे, और होस्ट करने के बाद उसको वापस उतारा जा रहा था। लेकिन आपको बता दें चले कि इस वक्त जो आप ये लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं, हम आपको ये रिनोवेटेड तवारीखी घंटाघर की दिखा रहे हैं जिस पर अब तिरंगे को या ट्राइकलर को परमानेंटली जो है होस्ट किया गया है। और अब ऐसा नहीं है कि यौम आज़ादी का दिन हो और उस दिन इस तवारीखी घंटाघर के ऊपर फ्लैग को होस्ट किया जाए और उसके बाद उतारा जाए। यौम आज़ादी का दिन नज़दीक है, करीबन 5 दिन और 5-6 दिन आज जो है ये फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, और फर्स्ट एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है हम आपको श्रीनगर के लाल चौक से दिखा रहे हैं कि यौम आज़ादी के दिन को मद्देनज़र रखते हुए उससे पहले ही इस पर जो है परमानेंटली तिरंगे को लहराया गया है, परमानेंटली इस पर होस्ट किया गया है, फिक्स किया गया है। और इस रिनोवेटेड घंटाघर के ऊपर अगर आप देख सकते हैं चारों तरफ जो है नए क्लॉक्स लगाए गए हैं, और इस घंटाघर को जो है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर रिनोवेट किया गया है 3 डिकेड्स के बाद। और आप ये भी यहाँ से भी तस्वीरें देख सकते हैं कि या जिस जगह पर अभी हम मौजूद हैं इससे पहले यहाँ से पब्लिक ट्रैफिक चला करता था, लेकिन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंडर इस जगह को तब्दील किया गया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सड़कों पर मार्बल लगाया गया है, पैसेंजर शेड्स बनाए गए हैं, और ट्रैफिक को जो है वन वे में आप देख सकते हैं कि दोनों साइड में आने जाने का ट्रैफिक जो है एक ही साइड में रखा गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, और इस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर घंटाघर के सामने लगातार पिछले एक साल से कह सकते हैं कि काम अभी चल ही रहा है। और खसूसी तौर पर इस वक्त हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें तिरंगे की दिखा रहे हैं, ट्रिकलर की दिखा रहे हैं, जो फ्लैग होस्ट किया गया है तवारीखी रिनोवेटेड घंटाघर लाल चौक के अंदर, और इसकी फ़ोटो कुछ ही मिनट पहले जो है वायरल हुई है। और अब ऐसा नहीं है कि यौम आज़ादी के दिन के ऊपर या किसी और दिन के ऊपर खाली इस जगह पर फ्लैग होस्ट किया जाएगा, अब इस तवारीखी घंटाघर के ऊपर जो है इस फ्लैग को परमानेंटली होस्ट किया गया है, फिक्स किया गया है। अब आगे जम्मू कश्मीर में क्या कुछ और सामने आता है, क्या कुछ देखने को मिलता है, वो भी सबसे पहले हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे और मेरे कैमरामैन मीर रईस को दीजिए इजाज़त, और ग्राउंड ज़ीरो से आप देखते रहिए श्रीनगर से शेख इमरान के साथ जम्मू लद्दाख विजन।